आज हम लोग शॉपिंग करने वाले हैं। शॉपिंग करने के लिए चाहिए सेल्फी। अगर तुम्हारे पास सेल्फी नहीं है तो फिर ले लो ना यार। मतलब ये भी सिखाना पड़ेगा क्या? फॉक्सी वालों को मेरा शेविंग वाला वीडियो इतना अच्छा लगा है, उन लोगों को लग रहा है ये भी चल जाएगा। इतने ओवर कॉन्फिडेंस के बोझ से तो मुझे स्लिप डिस्क होने वाला है। बजरंगी भाईजान नहीं देखी है तो सेल्फी लेना भी मैं ही सिखा देता हूँ। सेल्फी लेने के लिए चाहिए सेल्फ। इफ यू डोंट नो योरसेल्फ तो वो प्रॉब्लम सेल्फी सॉल्व नहीं कर सकता। इतनी बड़ी बात बोल दी मैंने शॉपिंग के वीडियो में, इसको बोलते हैं असली इन्फ्लुएंसर। इस सेल्फी लेते टाइम बस एक काम करना, बस फोन को गिरा मत देना। नॉर्मल सेल्फी के बैकग्राउंड में ऐसे वाटरफॉल हो तो अच्छा रहता है, लेकिन शॉपिंग करने के लिए ऐसा सिंपल बैकग्राउंड भी चलेगा। बस तो फिर सेल्फी ले लो, परफेक्ट। अगर तुम लोगों को सेल्फी अच्छी नहीं लगी तो तुम लोग ऊपर से रीटेक सेल्फी भी कर सकते हो, फिर एल्गोरिथम एनालाइज करेगा सब कुछ तुम्हारे फेस में। फिलहाल तो बाल मेरे ब्लैक है, लेकिन 3 साल बाद अपडेट करना पड़ेगा। अगर एल्गोरिथम ये सुन रहा है तो फिर ऑप्शंस में ब्लैक, व्हाइट और मेलनसोमन भी डाल देना। मुझे अपना खुद का स्किन टाइप नहीं पता और स्किन रूटीन मांगती रहती है पब्लिक। मैं अभी वी टेस्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे मैदे से एलर्जी है। गाड़ी का पेंट बदलने नहीं बोल रहे, लेकिन सर्विसिंग तो करनी पड़ती है ना। और क्या, अभी तुम्हारे स्किन के लिए सारे मस्त मस्त प्रोडक्ट दिखा देगा ये ऐप। फाइनल प्रोडक्ट दिखाने नहीं वाला क्योंकि अभी ऑर्डर किया है, जादू नहीं चल रहा है यहाँ पे। एल्गोरिथम यहाँ पे फेस वॉश VFX कर रहा है। शेयर करना है तो करो, लेकिन बस मुझे सेल्फीज मत भेजना, ऐप में डाल दो प्लीज। ये ऐप बिल्कुल मेरी तरह है, मतलब प्रोडक्ट्स लेने हैं तो लो, कोई फोर्स नहीं कर रहा है, बस सजेशन दे रहे। नोबडी इज आस्किंग यू टू चेंज, बस अपने आप का ख्याल रखो गाइस। इसको बोलते हैं असली इन्फ्लुएंसर।